चलो, आप जो हमारा टॉपिक चालू होने वाला है वो है एरे। एरे क्या होते हैं आपको याद होगा? एरे स्टार्टिंग को समझाता है। एरे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। याद है सबको? लेट ए इज इक्वल टू, एरे का साइन लिखे हुए राम, 1 2 3 कमा ट्रू कमा 2.4। याद है ये? चलो अब देखो यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा मैंने यहाँ पे ए। अब मुझे क्या प्रिंट करेगा? तो एरे प्रिंट कर देगा ब्राउजर पे। देखिए हम लोग, राम प्रिंट हो क्या गया है ना। तो एरे की डेफिनेशन क्या होती है? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। कंसोल में कैसे चेक करते हैं? कंसोल डॉट लॉग ए, चेक किया दिख रहा है 0 1 2 3 है ना। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3। एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। अगर मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1 ये लिखूंगा, 1 ब्राउजर पे ये प्रिंट हो जाएगा 2 3 4 5। समझ में आया? एरे क्या होता है? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम एरे कहते हैं, ठीक है। और एरे की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 से, ठीक है। इसको नोट कर लो। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एरे के मेथड। और सबसे पहला मेथड आता है एरे का पॉप और पोस। सुना है नाम किसी ने? पॉप पोस सुना है आप लोगों ने? पॉप और पोस सुना होगा। पॉप में क्या होता है? पॉप में हम लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करते हैं और पोस्ट में क्या करते हैं? लास्ट में ही वैल्यू ऐड करते हैं। देखो कैसे। आप देखो मैंने यहाँ पे एक एरे बना हुआ है, ये एक एरे आप देख पा रहे हैं एरे, ठीक है। ये एरे यहाँ प्रिंट हो रहा है और फिर मैंने लिखा ए डॉट पॉप। अब पॉप क्या करेगा? मोहित को निकाल देगा। तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे? विकास राज राम, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? ए डॉट पुश कर रहा हूँ। किसको पुश कर रहा हूँ? पी एन इन्फोसिस को। तो मोहित की जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? पी एन इन्फोसिस। देखो देख पा रहे हो आप? विकास राज राम, देखो है, देखो यहां से हट गया मोहित, पॉप में और पोस्ट में क्या ऐड हो गया? पी एन इन्फोसिस। आई बात समझ में? पॉप वाली, पॉप में क्या होता है? लास्ट वाली वैल्यू। अब देखो तो हमने क्या क्या देख लिया? शिफ्ट में क्या होता है? फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है और अनशिफ्ट में फर्स्ट में वैल्यू ऐड होती है। पॉप में क्या होता है? लास्ट में वैल्यू डिलीट, लास्ट में वैल्यू ऐड पोस्ट में। अब आता है स्लैश क्या करता है। देखो मैंने यहाँ पे स्लैश को प्रिंट किया। अब देखो यहाँ पे ये लिखा मैंने, देखो ये 0 यहाँ से लिखा मैंने, ये होता है स्टार्ट वैल्यू और ये होता है एंड वैल्यू। ये होता है स्टार्ट वैल्यू, ये होता है एंड वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 0 से स्टार्ट करो और 3 तक प्रिंट करो, 3 इंडेक्स तक। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 3 इंडेक्स तक प्रिंट होगा, ठीक है। स्लाइस में स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, देखो देखो अब देखना आउटपुट क्या आएगा। आप लोग यहाँ देखना, तो आउटपुट में थोड़ा अंतर आएगा। ये बंद कर दूँ, चलो देखो सब आउटपुट क्या आ रहा है।
मैंने क्या कहा था कि जीरो से स्टार्ट करना है और थ्री तक प्रिंट करना है इंडेक्स तक। तो उसने कहां तक प्रिंट किया बताएं बताएं सब लोग। तक किया ना, देखो कहां तक प्रिंट हुआ। देखो हमने क्या कहा था इससे कि भाई आपको स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से, और कहां पे एंड करना है, थ्री पे। तो अब इसने आउटपुट क्या दिया, संजय विकास राज। अगर काउंट करो तो जीरो वन टू थ्री वाला प्रिंट हुआ, नहीं हुआ ना। फिर देखो एक बार, और अब मैंने कहा कि जीरो से स्टार्ट करना और फोर तक प्रिंट करना, ठीक है, फोर इंडेक्स फोर पे आके एंड कर देना। अब देखो इसमें कहां तक प्रिंट किया, देखो फिर तक किया, मतलब ये लास्ट वाला छोड़ के चल रहा है ना, नल लेके चल रहा है ना, छोड़ देता है। किसा लोग स्लाइस में क्या होता है, लास्ट वाला छोड़ के चलता है, एक कम लेके चलता है वो, ये छोड़ के चल देता है, नल करके चलता है, ठीक है, याद रखना। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ स्लाइस में, मैंने कहा भाई टू से स्टार्ट करो फोर तक प्रिंट करो, तो क्या आउटपुट आएगा आपके साथ बताओ। तो जीरो वन टू यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर थ्री फोर, फोर पर करना आ रहा है तो थ्री प्रिंट होगा। राज मोहित बाकी लोग हा? अब बात करते हैं माइनस की कहानी में, देखो ये वाली कहानी, ये वाला पॉइंट। तो पीछे से चलता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, पीछे से कैसे काम करता है स्लाइस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। तो अब मैंने कहा ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। तो माइनस फोर से स्टार्ट होगा माइनस वन तक जाएगा, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये यहाँ पे आ रहा है माइनस फोर, तो मतलब माइनस फोर से स्टार्ट होगा, तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। तो बताओ कहां तक प्रिंट होगा, सीसी प्रिंट होगा क्या, ट्रिपल डी तक होगा ना, देखो है ना, क्योंकि माइनस फोर यही होगा, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन है ना। तो कहां तक प्रिंट हुआ, मोहित करंट डी, ये बात समझ में आई। पीछे से कैसे चलता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, आगे से कैसे चलता है जीरो वन टू थ्री, ठीक है स्लाइस में। ये कहानी किसकी है, स्लाइस की। तो पहले एक बना लो फाइल स्लाइस डॉट। अब देखो स्लाइस कैसे काम करता है, इसको समझना थोड़ा अच्छे से। इसका देखो सिंटैक्स क्या होता है स्लाइस का, देखो तो मैंने यहाँ पे एक लिया एरे, एक एरे लिया है ना, और ये होता है इसका सिंटैक्स। स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर होता है हाउ मैनी डिलीट, कितने इंडेक्स डिलीट कराने हैं, फिर ऐड कितने ऐड करने हैं, ठीक है, ये इसका होता है सिंटैक्स। स्टार्ट कहाँ से करना है, कितने डिलीट करने हैं और कितने ऐड करने हैं, ये सिंटैक्स होता है स्प्लाइस का, ठीक है। अब देखो अब मैंने यहां पे लिखा ए डॉट स्प्लाइस, मैंने कहा कि जीरो से स्टार्ट करो और टू को डिलीट करो, मतलब जीरो वन को डिलीट कर दो, मतलब दो मत समझ रहे हो, दो मत समझ रहे हो, जीरो को डिलीट करना है और वन को डिलीट करना है, ठीक है, या मैं लिख देता हूं सिंपल वन अभी के लिए। तो मैंने कहा कि जीरो से स्टार्ट करो, जीरो कौन है संजय, और फिर लिख दिया वन, वन का मतलब क्या है हाउ मैनी डिलीट, कितने डिलीट करने हैं। तो मैंने कहा कि वन मतलब संजय को डिलीट कर दो, जो आप स्टार्ट करो उसे डिलीट कर दो, देखो संजय डिलीट हो गया, देख पा रहे सब लोग। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं टू, तो बताओ कितने डिलीट होंगे, है ना, दो होंगे ना संजय और विकास,
अगर मैं चार कर दूं तो सारे हो जाएंगे ना। सारे हो गए, खाली हो गया पूरा। तो अब खाली हो गया, तो ये इतनी लाइन समझ में आई। अब अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं ले देता हूँ कि राम को ऐड कर लो, लिख दिया। ई एन ऐड कर लो, कितने भी आप ऐड कर सकते हैं, लिखा ना कितने भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो हो गया ऐड, समझ आ रही बात। अब मैंने यहाँ पे यहाँ लिख दिया टू, मतलब संजय विकास रीड कर देगा तो राजकरण और राम पीएन आएगा। देखो राम पीएन राजकरण दिख रहा है आप लोगों को। ये वाली लाइन देखो, हाँ पहले पहले हाँ पहले इसको ऐड करेगा, फिर ये देखो उन्हीं की जगह पे ऐड हो जाता है। हाँ उन्हीं पे जगह पे ऐड होगा जी, और फिर ये दिखाएगा। ठीक है, स्प्लाइस याद रखना, स्प्लाइस क्या होता है। अब इसमें कहानी क्या आएगी बता, चलो आप लोग ना, मैं सही कर देता हूँ, बता आपको क्या आएगा। बताओ क्या राज, राज हाँ वही तो मैं राज, हाँ हाँ जो देखो आउटपुट क्या कहा कि टू से स्टार्ट करो, 0 1 2 जाया, और फिर लिखा 1। इसको उसने डिलीट कर दिया, और इसकी बदली क्या ऐड कर दिया, पीएन और राज को, है ना। दोबारा पीएन राज, आई बात समझ में। कर लो इंक्लूड्स, इंक्लूड्स देखो। अब इंक्लूड्स में क्या होता है समझो, यहां मैंने एक एरे ले रखा है, सबको दिख रहा होगा एक एरे। अब मैंने यहां पे लिखा ए डॉट इंक्लूड्स और लिखा अमन 1 2 3। अब ये अमन 1 2 3 कहां जाकर ढूंढेगा, इस एरे के अंदर। अगर मिलेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स होता आएगा। देखो फॉल्स आ रहा है, क्यों फॉल्स आया, क्योंकि अमन 1 2 3 इस एरे के अंदर है ही नहीं। और अगर मैं 1 2 3 हटा दूं, सिंपल अमन रखूं और रन करूं तो ट्रू आ रहा है। दिखाए सबको, ठीक है ना। इनक्लूड्स का काम क्या है, इसके अंदर जाके ढूंढना, अगर होगा तो ट्रू बताएगा, नहीं होगा तो फॉल्स बताएगा। नोट कर लो इनक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ। तो देखो यहाँ पे एक एरे बना हुआ है। अब मैंने कहा इंडेक्स ऑफ में क्या कह रहा हूं कि अमन ढूंढो जाके, इसमें से अमन ढूंढो। मैं थोड़ी फील्ड कम कर देता हूं, मैं कह रहा हूं इस एरे के अंदर से कि अमन जाके ढूंढो, मगर ढूंढना कहां से, टू इंडेक्स से। ठीक है, कहां से ढूंढना है इसको, टू इंडेक्स। देखो अब 0 1 2 यहां के बाद से ढूंढना चालू करेगा वो, मतलब ये तो ये भी देखो मन है ना, इसको ढूंढेगा, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, ढूंढना कहां से, टू से। तो 0 1 2 यहां से ढूंढेगा, कहां मिल गया इसको, मन मिल गया 3 पे, मिल गया ना 3 पे। तो क्या प्रिंट कर देगा, देखो यहां पे किया, रिप्रिंट कर दिया, दिख रहा है रिप्रिंट 3 मिल गया ना। अब मैं कहता कि भाई 0 से ढूंढना चालू करो, तो 1 भी मिल जाता इसको मन। ठीक है, मैं इंडेक्स ऑफ में बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें ढूंढना कहाँ से है अमन को, ठीक है ना, और ढूंढ लाएगा। अब ये लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, जो नाम से आपको क्लियर हो रहा है लास्ट, मतलब ये लास्ट में जाके ढूंढेगा, है ना।
अगर मैं लास्ट में लिख दूं रोहित, फिर लास्ट में ही जाके ढूंढेगा रोहित को, फिर लास्ट में ठीक है, फाइव पे ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में कहां ढूंढेगा, सबसे लास्ट में जाके ढूंढेगा। अगर मैं यहां लिख देता हूं ए, मैं लिख दिया ए, तो देखो लास्ट में तो रोहित ही है ना, इसके बाद एक ही पहले, तो देखो फाइव ही आएगा, नोट कर लो सब लोग।